गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बेटा हम लेटेस्ट रहा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए लेक इज अ लार्ज वाटर बॉडी। जो लेक होती है बेटा वो लार्ज वाटर बॉडी होती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि लेक कैसी वाटर बॉडी होती है बेटा, स्मॉल वाटर बॉडीज होती है। ए प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज ए टेबल लैंड। प्लेटू को बेटा टेबल लैंड भी बोलते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सी एंड ओशन आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो सी और ओशन बेटा फ्रेश वाटर के सोर्स है, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। दोनों किस तरीके के वाटर के सोर्स है बेटा, सोल्टी वाटर। हिल रोड्स आर नैरो एंड विनिंग। जो हिल रोड्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा संतरे होते हैं, और विनिंग का मतलब बेटा घुमावदार होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा। ए माउंटेन टॉप इज कॉल्ड। जो माउंटेन का टॉप होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, पीक यानी चोटी। द लो लैंड बिटवीन द टू माउंटेन्स और हिल इज नोन एज, माउंटेन और हिल के बीच में जो लो एरिया होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, वैली। उसके बाद बेटा ब्लैक इज अ सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। कौन सा बेटा फ्रेश वाटर का सोर्स है, तो रिवर और लेक दोनों ही है, हमने यहाँ पे रिवर फिल किया। फिर बेटा ब्लैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मॉल वाटर बॉडी। क्या एक छोटी वाटर बॉडी का एग्जाम्पल है, तो बेटा क्या है, लेक। उसके बाद बेटा ओशन एंड सीज कंटेन ब्लैंक वाटर। ओशन और सीज बेटा किस तरीके का वाटर कंटेन करते हैं, तो उनके अंदर किस तरीके का वाटर होता है बेटा, सोल्टी वाटर यानी नमकीन पानी होता है, जो हम पी नहीं सकते। तो आपकी लेटेस्ट रहे एक्सरसाइज थी। ओके, थैंक यू।